ओम नमो नारायण। मैं अरुणाबेन पी गोस्वामी सूरत से आपका स्वागत करती हूँ अरुष किचन हिंदी में। आज हम बनाएंगे गुजराती मीठी कढ़ी। गुजराती मीठी कढ़ी बनाने के लिए ये हमने छाछ ली है, ये घर की बनी हुई छाछ है, ये हमने ली है 5 कप। थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है, ये हमने खड़े मसाले लिए है, ये तेज पत्ता लिया है, ये हमने थोड़ी सी ये काली मिर्च ली है, और ये हमने लिए है लाल मिर्च, और ये लिए दालचीनी का 2-3 टुकड़ा, एक हमने लिया है चक्री फूल या बादिया बोलते हैं, ये हमने लौंग लिया है 4 से 5, और ये हमने लिया है कड़ी पत्ता, आधा चम्मच हमने जीरा लिया है, थोड़ी सी हमने हींग ली है, नमक चाहिए हमें स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हमने राई ली है, ये हमने लिया है 2 हरी मिर्च, इसको ऐसे बड़ा बड़ा काट लिया है, आधा चम्मच हमने लिया है धनिया जीरा पाउडर, और घी चाहिए हमें क्योंकि हम इसे घी और तेल मिक्स में बनाएंगे, तो 1 चम्मच हमें घी चाहिए, आधा कप हमने बेसन लिया है, और 3 चम्मच हमने चीनी ली है क्योंकि ये मीठी होती है छाछ, हम खट्टी लेते हैं और चीनी डालते हैं तो खट्टी मीठी होती है ये कढ़ी। तो पहले हम ये बेसन है उसको छाछ में मिक्स करेंगे, तो इसमें हम डाल देंगे बेसन, और इसमें हम थोड़ा सा छाछ डालेंगे, ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा सा डाल के मिक्स करेंगे इसको। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप दही भी ले सकते हैं, तो 1.5 कप दही लेके उसकी छाछ बना सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, ऐसे ही पहले थोड़ी सी छाछ डाल के इसको मिक्स करना है, तो इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। इसको हमने मिक्स कर लिया है, अब ये जो दूसरी छाछ है वो भी सब हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और ये हम धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। अब हम इसका तड़का लगाएंगे, तो ये हमने कढ़ाई ली है, गैस हम चालू करेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे ऐसे 1 चम्मच, और थोड़ा सा हम इसमें तेल डालेंगे 1-2 चम्मच जितना। अब इसको हम गर्म होने देंगे, ये अपना तेल और घी गर्म हो गया है, तो पहले हम इसमें राई डालेंगे। अब इसमें हम ये सब खड़ा मसाला डालेंगे, तो लाल मिर्च डालेंगे, और तेज पत्ता, ये दालचीनी, ये चक्री फूल, और ये काली मिर्च और लौंग, ये सब डाल देंगे हम। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे, और इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, और ये हींग डाल देंगे। अब इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे, अब इसमें हम ये मिक्स की हुई ये कड़ी डाल देंगे, बहुत बढ़िया खुशबू आती है इसके तड़के की। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे, तो 1 कप पानी हम इसमें डाल के डाल देंगे, अब इसको हम पका लेंगे।
ये कढ़ी को हमने पका लिया है 5 से 6 मिनट तक। अब इसमें हम ये चीनी डाल देते हैं और इसको मिला लेंगे और 2-3 मिनट और पकाएंगे इसको। तो ये कढ़ी अपनी पक गई है, इस तरह से हो जाना चाहिए, तब तक पकाना है हमें। और चीनी आप देख लीजिए, अपने हिसाब से मीठा डाल सकते हैं। तो गैस हम बंद कर देंगे और इसको नीचे उतार लेंगे। इसमें ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। तैयार है अपनी गुजराती मीठी कढ़ी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कमेंट करके कहना आपको कैसी लगी है गुजराती मीठी कढ़ी।